छावनी परिषद के द्वारा 25 नवंबर 2011 को एक प्रस्ताव हम लोगों ने सिविल एरिया बढ़ाने का पास किया था। उस प्रस्ताव के ऊपर कुछ आपत्तियाँ लेकर के जीओसी इन चीफ ने मध्य कमान के लखनऊ से एक सोकाज नोटिस भेजा था कि ये आपने जो है प्रस्ताव में ये चीज़ें गलत करी हैं, इसको क्यों नहीं निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि कैंटोनमेंट एक्ट 2006 की धारा 58(1) में इनको प्रावधान है कि जीओसी चीफ जो है यदि कोई कानून के खिलाफ प्रस्ताव लिया जाए। मीटिंग के अंदर सिविल एरिया बढ़ाने की मांग सब जनप्रतिनिधि ने की है और हमने अधिकारियों से आग्रह किया कि सिविलियंस कोई बाहर के नहीं है, हम सब इसी देश के हैं, सेना का सम्मान करते हैं, सेना की सुरक्षा होना चाहिए, हम इसके हकदार हैं, सेना की गोपनीयता रहना चाहिए, हम इसके हकदार हैं, पर इसके साथ ही सिविलियंस को बेसिक एमिनिटीज़ मिले, बुनियादी सुविधाएं मिले, इसकी जवाबदारी हम सब की है, आपकी भी और हमारी भी। हमने उनसे आग्रह किया कि यदि सिविल एरिया बढ़ता है, यदि आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते, हम राज्य शासन से वहाँ पर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बना देंगे और उसमें लगने वाला पैसा हम राज्य शासन से देंगे। सिविल एरिया अगर आपको बढ़ाना है तो आप दूसरे एरिया में जाइए और वहाँ हम किसानों को समझाएंगे, किसानों से